हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रॉन्स विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6.023 इनटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम इज। सो बहुत इजी सी चीज है, ये आपका मेटल सरफेस है, इस पे रेडिएशन गई, इन रेडिएशन की कुछ एनर्जी होगी एच न्यू, ठीक है। अब उस एनर्जी का कुछ पोर्शन इस मेटल सरफेस में अब्सॉर्ब किया होगा, सपोज एक मेटल एक एक एटम ने या एक मोल एटम ने किया होगा, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने के लिए वो एच न्यू नॉट होगी, जिसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। बाकी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किस में चली जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में चली जाएगी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि एच न्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो मुझसे क्या पूछा गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी कि एच न्यू नॉट पूछा गया, एच न्यू नॉट पूछा गया, तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू निकालना है, अब एच की वैल्यू मुझे पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, मुझे वैल्यू पता है कि 6.623 होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है, बट मुझे वो नहीं दिया, मुझे उसकी जगह वेवलेंथ दे दी है, ठीक है, वेवलेंथ दे दी है। सो मुझे पता है कि मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकती हूँ, कैसे, एच न्यू जो होता है वो उसको एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकती हूँ, क्लियर, एंड इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू होती है, C स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर्स में दिए 600 नैनोमीटर्स, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी दी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल। अब देखो दोनों चीजों का डिफरेंस समझना, ये जो एनर्जी एच न्यू से या एच सी अपॉन लैम्डा से निकल के आएगी, ये सिर्फ एक एटम की निकल के आएगी, बट हमें काइनेटिक एनर्जी एक मोल एटम का दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक एटम की निकाल देती हूँ, ठीक है, सिर्फ एक एटम की निकाल देती हूँ। सो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, बस मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ। सो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल के अंदर होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ये जूल पर मोल था, ये जो एनर्जी थी जूल पर मोल में थी, और ये पार्टिकल्स पर मोल में कितने होते हैं, इतने होते हैं पर मोल में। सो पर मोल से पर मोल कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, 4 माइनस 23 करेंगे ना, 4 माइनस 23 करेंगे तो ये माइनस 19 आ जाएगा, इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी एक एटम की। क्लियर? अब इसको बस सॉल्व करो, इधर वाला पहले पोर्शन सॉल्व करो, फिर ये वाला 10 की पावर माइनस 19 ये हमारा यहाँ से निकल के आ चुका है, ठीक है। अच्छा तो करते हैं इसको सॉल्व, देखो ये 3 1 3, 3 2 6 और ये हो जाएगा 3.313 इंटू 10 की पावर, देखो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस 34 है, क्लियर, प्लस में 8 है, और माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 हो जाएगा वो, तो माइनस 19, ये भी कितना हुआ, माइनस 19 हुआ, और ये माइनस 10 की पावर माइनस 19 ये ऑलरेडी यहाँ पे था, सो कॉमन फैक्टर 10 की पावर माइनस 19 है, सो 10 की पावर माइनस 19 ब्रैकेट में आ जाएगा 3.313 माइनस 1, दैट इज 2.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये होगी इसका वर्क फंक्शन। सो यहाँ से अगर जो अप्रोप्रिएट आंसर जो दिख रहा है वो करेक्ट जो दिख रहा है वो है ऑप्शन ए, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि 2.3125 है, तो ये तो इस वजह से है कि ये जो एच एन यू की वैल्यू है या इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हमने काफी तीन डिजिट्स में लेके चले डेसिमल के बाद में, वरना काफी लंबी वैल्यू है, अदरवाइज ऐसा भी ऑप्शन आ जाता। आई होप यू अंडरस्टूड, अगर इस वाले आंसर को आप राउंड ऑफ करोगे तो भी 2.313 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।